इस वीडियो में हम लोग एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम सॉल्व करने वाले हैं फ्रॉम द टॉपिक साइक्लोइडल कर्व। और यहाँ पे प्रॉब्लम में खुद ही बोल दिया कि ये क्या है, एक साइक्लो हाइपोसाइक्लोइड बनने वाला है यहाँ पे। तो क्वेश्चन क्या बोला है, कंस्ट्रक्ट ए हाइपोसाइक्लोइड रोलिंग सर्कल 50 mm डायमीटर, डाइटिंग सर्कल 175 mm डायमीटर, ड्रॉ टेंजेंट टू इट एट अ पॉइंट 50 mm फ्रॉम द सेंटर ऑफ द डाइटिंग सर्कल। ओके, तो यहाँ पे जो गिवन दिया हुआ है आपको, पहले उसको लिख लेते हैं। दैट इज स्मॉल डी, आपको कितना यहाँ पे दिया हुआ है। स्मॉल डी मैं किसको बोलता हूँ, रोलिंग सर्कल के डायमीटर को। और कैपिटल डी हम किसको बोलते हैं, डायरेक्टिंग सर्कल के डायमीटर, दैट इज 175 mm। ओके, तो यहाँ पे हमको थीटा निकालना पड़ता है, दैट इज 360 डिग्री इंटू स्मॉल डी अपॉन में कैपिटल डी। ठीक है, जिसके वैल्यू आपको कितने मिलेगी, राउंड ऑफ 103 डिग्री के आसपास। ओके, पिछला वाला वीडियो जो था उसमें हम लोगों ने एक एपीसाइक्लोइड बनाया हुआ था। ठीक है, एक एपीसाइक्लोइड बनाया हुआ था और उसमें भी जो हमको डेटा मिला हुआ था एग्जैक्टली सेम था। डायमीटर 50 mm, कैपिटल डी 175 mm, और जहाँ पे थीटा था वो अपने कितना था, 103 डिग्री आया था। ओके, तो एपीसाइक्लोइड में क्या होता है, जो डायटिंग सर्कल आपका रहता है, ठीक है, उसके ऊपर में क्या रहेगा, रोलिंग सर्कल रहेगा, जो उसके ऊपर क्या करेगा, रोल करेगा, जिससे आपको क्या मिलेगा, जो कर्व आपको मिलेगा, ठीक है, वो अपना क्या होता है, एपीसाइक्लोइड होता है। हाइपो में क्या होता है, ये सर्कल जो रहेगा उसके अंदर में, ठीक है, ये जो सर्कल आपका जो आउटसाइड ऑफ द सर्कल रोल कर रहा है, इस केस में क्या होगा, हाइपो वाले केस में क्या होगा, ये इनसाइड ऑफ द सर्कल क्या होगा, ये रोल करेगा। ठीक है, तो बाकी सब कुछ एज इट इज रहेगा। तो देखते हैं इसको बनाने का अप्रोच क्या होगा। तो सबसे पहले मुझे करना क्या है, एक सेंटर ले लेंगे अपन यहाँ पे। ठीक है, सेंटर अपना क्या रहेगा, ओ रहेगा। ओके, बेसिकली इस वीडियो के जस्ट नेक्स्ट वीडियो में आप अगर जाएंगे मेरे प्लेलिस्ट में, तो आपको मिलेगा इस वीडियो को हम, सॉरी, हाइपोसाइक्लोइड को एक्चुअल में शीट में कैसे बनाते हैं, उसका एक अलग से डेमोन्स्ट्रेशन मैं वहाँ पर बना के बताया हूँ। ठीक है, मेरे एक स्टूडेंट ने बनाया था, काफ़ी अच्छे तरीके से बताया है, तो प्लीज़ उसको आप देखिए। तो लेट अस प्रोसीड। ओके, तो देखो थीटा को कितना दिया, 103 डिग्री दिया है, और डायरेक्टिंग सर्कल डायमीटर कितना है, 175, तो उसका हाफ कर दो, बिकॉज हम यहाँ पे क्या करने वाले हैं, रेडियस को ड्रॉ करने वाले हैं। ठीक है, तो रेडियस कितना होगा, 87.5 mm का रेडियस रहेगा। तो यहाँ पे मान लो ऐसे में बनाते हैं यहाँ पे। ठीक है, ये अपने बना दिया यहाँ पे। ठीक है, अब इसको हम क्या करेंगे, पहले इसको ज्वाइन कर लेंगे, ज्वाइन कर लेंगे इसको। ठीक है, तो ये जो है ये अपना क्या है, आर्क है, किसका बताओ था? देखो ये अपना बनाना होता है कि नहीं। ठीक है, तो ये अपना क्या हो गया, रेडियस हो गया डाइटिंग सर्कल का, और ये क्या किया अपना, आपस में उसको ज्वाइन कर लिया। ठीक है, तो ये जो एंगल रहेगा इनके बीच का, ये जो एंगल रहेगा इनके बीच का, दिस इज 103 डिग्री। ओके, और ये जो लेंथ है, ये जो लेंथ आपको दिख रहा है यहाँ पे, दिस इज हाउ मच, दिस इज डी बाई टू, विच इज 87.5 mm। ओके, ठीक, तो इतना हो गया। ओके, अब मुझे करना क्या है, यहाँ से हाइपो एपी वाले केस में क्या कहते थे, यहाँ से अपन 25 mm आगे गए थे, वहाँ पे सेंटर मानते अपन एक सर्कल ड्रॉ किए थे। ओके, यहाँ पे क्या अपन 25 mm पीछे आएंगे। ओके, इसको सेंटर मानते हुए हम क्या करेंगे, एक सर्कल ड्रॉ करेंगे यहाँ पे। देखो सर्कल ड्रॉ कर दिया हमें। ठीक है, अब अगला काम क्या रहेगा, मुझे इस सर्कल को 12% डिवाइड करना है। तो ये लाइन एक बन चुका है, तो यहाँ पे हॉरिजॉन्टल लाइन दिखा दिए, अब यहाँ पे ऐसा ड्रॉ कर लो उसको, ये अपना अगला ड्रॉ हो गया, उसके बाद इसको ऐसा और लास्ट में ऐसा। ठीक है, अब नेमिंग करेंगे। तो यहाँ पे क्या है, ये जो है आपका एंटी क्लॉकवाइज घूमने वाला है। ठीक है, क्योंकि जब एंटी क्लॉकवाइज घूमेगा तभी ये वाला पॉइंट यहाँ पे आएगा, फिर ये वाला पॉइंट यहाँ पे आएगा, तो ये वाला पॉइंट अपन नेम क्या करते हैं, वन करते हैं। तो ये अपना क्या होगा, वन हो जाएगा, इसको टू, इसको थ्री, फोर, फाइव, सिक्स, सेवन, एट, नाइन, टेन, इलेवन, एंड दिस पॉइंट इज 12। ओके, तो क्या करना, अब इसको भी अपन वैसे डिवाइड कर लेंगे। ठीक है, मैंने एपी वाले साइड एपीसाइक्लोइड वाले केस में बताया था इसको डिवाइड कैसे करते हैं, तो प्लीज़ उसको आप देखिएगा वहाँ पे। इसको मैं अपने हिसाब से डिवाइड कर ले रहा हूँ, अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से। ठीक है, तो ये अपना क्या होगा, 1-2-3-4-5-6-7-8-9-10,
7 dash, 8 dash, 9 dash, 10 dash, 11 dash and this is 12 dash. Okay, तो यहाँ पे जो है ये जब एंटी क्लॉक यहाँ घूमेगा, एंटी क्लॉक जब घूमेगा तो 1-1 पे आएगा, 2-2 पे आएगा, 3-3 पे आएगा एंड सो ऑन. अब मुझे करना क्या है, राउंडर पकड़ना है, 11 से एक आर्क ड्रॉ करना है पासिंग थ्रू 1. ओके, जब आप यहाँ से एक आर्क ड्रॉ करोगे तो अल्टीमेटली ये पॉइंट 1 से पास होते हुए निकलेगा. अगर आप समझ लो कि 1 से पास नहीं करा मतलब आपने कहीं एक चीज़ गड़बड़ किया हुआ है. तो यहाँ पे रख के यहाँ तक तो मेजर कर लिया, अब यहाँ पर उसका समय से गोल घुमा रहा हूँ. देखो ये अपना पहला आर्क हो गया, फिर अपन क्या करेंगे दूसरा आर्क को वैसे लेंगे, 10 से यहाँ तक के 10 तक मेजर कर लिया, अब घुमाते वक्त वो 2 से पास होना चाहिए. अगर पास नहीं होता है तो समझ लो कहीं गड़बड़ है. और ये सब कुछ किससे रहेगा, 2S पेंसिल से रहेगा, सॉरी 4S पेंसिल से रहेगा. अब यहाँ से लेके 9 तक मेजर कर लो, यहाँ तक के काटो, ऐसे घुमाओ उसको. ठीक है, अब देखो घुमाते वक्त ये सेंटर से पास किया क्या नहीं पास किया है, तो क्या करना यहाँ से आके सेंटर पर रखना, अगेन यहाँ पे घुमाओगे तो ये अपना जो रहेगा वो अपना 2S पेंसिल का रहेगा, बाकी सब कुछ क्या रहेगा 4S पेंसिल का है, लेकिन ये अपना क्या रहेगा 2S पेंसिल का रहेगा, थोड़ा डार्क रहेगा. ओके फाइन, अब 8 से पास होता निकलेगा तो ये कहाँ से निकलेगा, 4 से निकलेगा. ये हो गया, फिर यहाँ पर के 7 से घुमाओ तो ये कहाँ से निकलेगा, 5 से घुमाएगा और लास्ट में 6 अकेले आएगा. स्टूडेंट्स अक्सर 6 से लेना भूल जाते हैं, तो आपको ध्यान रखना कि 6 से भी आपको लेना है यहाँ पे. ठीक है, ओके. अब यहाँ पे जो करना है क्या करना, देखो यहाँ पे देखो सेंट सी वाला लाइन कौन सी है, सी वाला जो कर्व कौन सा, ये वाला कर्व है. ओके थोड़ा उसको मैं डार्क कर लेता हूँ मैं. ठीक है, अब क्या करना है यहाँ पर रखे, जब 1 डैश आप मिलाओगे तो सेंटर वाली लाइन पर क्या करोगे यहाँ पे C1 लिखोगे. ओके, अब ऐसे ही यहाँ पर कि जब मैं 2 डैश मिला तो यहाँ पर क्या लिखूँगा मैं, दिस इज C2. यहाँ पर के 3 डैश मिला लो तो दिस इज C3. वैसे यहाँ पर के जब 4 से मिलाओगे तो क्या होगा, ये अपना C4 जाएगा. वैसे यहाँ पर क्या C5 मिलेगा, C6 मिलेगा, C7, C8, C9, C10, दिस इज C11 एंड दिस पॉइंट इज C12. ओके, आई होप आपको सारे पॉइंट्स कैसे मैं लिया हूँ आपको क्लियर हो चुका है. अब बारी आती है कर्व ड्रॉ करने की, आर्क काटने की. आर्क काटने वाले हम क्या करेंगे, कर्व कहाँ पर ड्रॉ करने वाले हैं. ठीक है, तो आर्क कैसे लेंगे, अगेन सेंटर्स लेके रेडियस, सेंटर्स लेके 12 डैश तक का मेजर करोगे दैट इज सर्कल का जो रेडियस रहेगा दैट इज 25 mm. ओके, यहाँ से लेके यहाँ मेजर कर लिया, कहाँ काटोगे C1. जब C1 पर काटोगे तो कहाँ पर कटेगा ये देखो, ये जो 1 वाला जो आर्क आपका यहाँ पर गया हुआ है और ये जो लाइन यहाँ पर गया हुआ इसके जस्ट इधर समवेयर हियर. ओके ठीक है, तो ये जो स्ट्रेट लाइन है और ये जो आर्क यहाँ कटा हुआ है उसके जस्ट इधर कटेगा. ओके, वैसे जब मैं C2 पर रखूँ कहाँ कटेगा, मान लो यहाँ कहीं कट गया तो ये अपना P1 अपना P2. C3 पर रखकर काटा तो यहाँ पर कहीं 3 पर कट गया, C4 काटा तो मान लो यहाँ कहीं कट गया, C5 पर काटा तो मान लो यहाँ कहीं कट गया, तो C6 पर कहाँ कटेगा, जहाँ पर ये सिक्स, जहाँ पर C6 और ये O इसको इंटरसेक्ट करेगा वहीं के कटेगा. ओके, तो मान लो ये अपना क्या है P6 है, वैसे P7 पर कहाँ कटेगा, यहाँ पर कटेगा, P8 पे मान लो यहाँ पर कटा, फिर C9 पे यहाँ पर कटा, C10 पे कहाँ कटेगा मान लो यहाँ पे, C11 पे यहाँ पे, और C12 पे कहाँ कटेगा यहाँ पे कटेगा. ओके, राउंडर सब काटना है यहाँ पे. ठीक है, तो इन सब पॉइंट्स को मिला लो तो ये कैसे घूम के आएगा, ऐसा कुछ घूम के आएगा ये. ये आपका जो कर्व बना हुआ है इसको हम क्या बोलते हैं, हाइपोसाइक्लॉइड बोलते हैं. ओके, तो ये जो आपका कर्व बना है दैट विल बी ऑफ HB पेंसिल. ठीक है, HB पेंसिल का बनेगा ये जो है, ये क्या है आपका बताओ, ये आपका है डायटीन सर्कल का पार्ट जिस पर आपका ये साइक्लॉइड बनना है, मतलब हाइपोसाइक्लॉइड बन रहा है. तो ये जो रहेगा आपका बनेगा 2S पेंसिल का, सर्कल बनेगा आपका 2S पेंसिल का, और सेंटर से पास जो हो रहा है आर्क उसको हम बनाएंगे 2S पेंसिल से, बाकी सब कुछ रहेगा अपना 4S पेंसिल से. ओके, तो बस अब हम देखेंगे कि यहाँ पे टेंजेंट ड्रॉ कैसे करते हैं. तो देखो यहाँ लिखा हुआ है ड्रॉ अ टेंजेंट टू इट एट अ पॉइंट 50 mm फ्रॉम द सेंटर ऑफ डायरेक्टिंग सर्कल. तो सेंटर ऑफ डायरेक्टिंग सर्कल कौन सा है, ओ वाला पॉइंट है. तो हमको करना क्या है, ओ से
ठीक है, उसे एक पॉइंट लेना है विच इज ऑन दिस हाइपोसाइक्लॉयड विच इज 50 mm अवे। ओके, 50 mm के डिस्टेंस में मुझे करना क्या है, यहाँ पे एक आर्क काटना है और उस पॉइंट से क्या होगा अपना एक टेंजेंट मुझे यहाँ पे ड्रॉ करके दिखाना है। ओके, तो देखते हैं कैसे करेंगे। सबसे पहले क्या करिएगा, एक 50 mm का एक आर्क लीजिए, ठीक है, राउंडर पकड़िए, 50 mm का एक आर्क रखिए, लीजिए यहाँ पर रख के, मान लो यहाँ पे मत काटना, ठीक है, ऑलरेडी यहाँ पे सर्कल बना हुआ है, ठीक है, यहाँ पे काटना, तो यहाँ पे मान लो कटेगा, यहाँ पे मान लो यहाँ भी कट गया। ओके, 50 mm अपन जो कटिंग कहाँ पे कटेगा, मान लो ये वाला कर्व पे कहाँ कटा, यहाँ पे कट गया मान लो, ठीक है, तो यहाँ पे कट गया। अब मुझे करना क्या है, अगेन रेडियस लेना है सी से लेकर 12 तक का, ठीक है, रेडियस ले लूँगा मैं यहाँ पे रख के, ये जो सेंटर वाली जो कर्व है उसको काटूंगा मैं, मान लो कहाँ कट गया आपको, ये यहाँ पे कट गया। ओके, तो ये जो रेडियस है, ये जो डिस्टेंस ये अपने कितना होगा, सर्कल के बराबर होगा। ओके, सर्कल के रेडियस के बराबर होगा। अब मुझे करना क्या है, मुझे इस पॉइंट को इस पॉइंट से मिलाते हुए कहाँ तक ले जाना, बताओ, ऊपर तक ले जाना है। ऊपर क्यों बताओ, क्योंकि ये वाला जो कर्व है अपना क्या है, डायरेक्टिंग सर्कल का सर्कमफेरेंस है। ओके, सर्कमफेरेंशियल पार्ट है ये। ओके, यहाँ कट गया ये। अब इसको जब मैं इस पॉइंट जोड़ूंगा मैं, तो ये अपना क्या हो जाएगा, ये अपना क्या हो जाएगा, ये नॉर्मल हो जाएगा। ठीक है, इसको थोड़ा सा आगे तक खींच लेता हूँ, इसको मैं थोड़ा पीछे तक ले आता हूँ मैं, तो ये अपना क्या होगा, ये एन, और ये अपना क्या होगा, मान लो एम है, तो ये एन और ये एम जो है, ये अपना क्या है बताओ, नॉर्मल है। ओके, ठीक है, अब मुझे करना क्या है, टेंजेंट ड्रॉ करना है, तो इस पॉइंट पे, ओके, इस पॉइंट पे हम क्या करेंगे, ये सेंटर को रखेंगे, चांदी के इस सेंटर को ऊपर रखेंगे, कहाँ पे, यहाँ पे रखेंगे। ओके, और यहाँ पे अपना क्या हो गया, 90 डिग्री हो गया, तो यहाँ पे इसको जब मैं जोड़ूंगा, ठीक, इसको जब यहाँ जोड़ेंगे, तो ये जो लाइन अपने मिलेगा, दिस इज नथिंग बट योर टी एस विच इज टेंजेंट। ये अपना क्या हो गया, टेंजेंट बन गया, किस पे, इस कर्व पे। ओके, थैंक यू सो मच।